नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ग्रुप के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपके कमेंट्स, क्वेरी, मैसेज, जो भी समस्याएं हैं, आप जो डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे, सर वेटिंग लिस्ट कितना तक क्लियर हो सकती है? तो अभी तक आपने देखा होगा वर्ग एक और वर्ग दो दोनों के, चाहे जनजाति विभाग हो चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, इन सभी के ज्वाइनिंग आदेश आ चुके हैं वर्ग तीन के साथ साथ। तो बहुत सारे साथी जो वर्ग तीन की मेरिट में थे, जो स्कूल चॉइस फिलिंग कर चुके थे और साथ ही साथ वर्ग तीन की वेटिंग लिस्ट में थे, बट उनका नाम वर्ग एक दो में आने से बहुत सारे कॉन्टैक्ट मेरे खुद जो है संपर्क में थे, सबका नाम जो था वेटिंग में था, किसी का नाम जो है मेरिट में था, तो उन भाई बहनों ने वर्ग एक दो ज्वाइन कर लिया, वर्ग तीन को छोड़ दिया। इस प्रकार ऑल एमपी बहुत सारे साथी हैं ऐसे जिनसे मेरा संपर्क हुआ है और उन्होंने मुझे कमेंट्स करके, मैसेज करके बताया कि सर मेरा वर्ग एक में नाम आ गया है, वर्ग दो में नाम आ गया, मैं वर्ग तीन ज्वाइन नहीं करूँगा। तो इस तरीके से देखा जाए लगभग 70 से 80% प्रत्येक कैटेगरी में, चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, चाहे आपका एससी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, साथ ही चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो चाहे नॉन गेस्ट फैकल्टी हो, 70 से 80% वेटिंग दोस्तों हर कैटेगरी में क्लियर होगी। और जो है आपकी वेटिंग क्लियर होगी, इसके बाद अगली प्रोसीजर सर की वेटिंग क्लियर के बाद आप ये बताइए कि जो हमारे नाम हैं उसके लिए चॉइस फिलिंग कराई जाएगी अन्यथा नहीं कराई जाएगी। ये बहुत सारे मैसेज आप लोगों के आ रहे थे, ठीक है, चॉइस फिलिंग को लेकर के। दोस्तों, आप लोगों की चॉइस फिलिंग नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों के डायरेक्ट नाम आएंगे जिला वाइज, यानी आपको जिला अलॉट किया जाएगा, केवल जिला अलॉट किया जाएगा, फिर जिला शिक्षा अधिकारी या फिर जिला सहायक आयुक्त अधिकारी वो आपको जो है स्कूल अलॉट करेंगे काउंसलिंग करा करके, वो जिला स्तर पर काउंसलिंग कराएंगे, जितने भी पद रहेंगे, जितनी भी जो स्कूल हैं खाली होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जो है चॉइस फिलिंग नहीं कराई जाएगी, आप लोगों की जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट मई के महीने में क्लियर कर दी जाएगी। साथ ही सवाल आता है सेकेंड काउंसलिंग वाले भाई बहनों का। साथियों, आपको पता है अप्रैल में जो है ज्वाइनिंग वाला काम कंप्लीट कराया जाएगा, वेटिंग लिस्ट मई में कराई जाएगी, सेकंड काउंसलिंग जून में स्टार्ट की जाएगी। यही है, इसके लिए प्रयास हो रहा है, 20 अप्रैल को टीम जा रही है हमारी, ठीक है, ज्ञापन सौंपेगी, टीपीआई में संपर्क करेगी सेकंड रोस्टर जल्द से जल्द जारी कराने के लिए। इस हेतु आप भी अपना प्रयास, संघर्ष, सहयोग दे सकते हैं। इस हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रत्येक अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। और भोपाल पहुंचिए 20 तारीख को, आप सभी से आग्रह है। देखो, हमारा काम है जितना से जितना हो सके सहयोग हो जाए, आप भाई बहनों का सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी चाहत है, यही हमारी इच्छा है। इसलिए हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँचा रहे हैं। 14,000 लोगों का परिवार बन चुका है महाकौशल क्लासेस, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने जो स्नेह प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें, हमारा पूरा सहयोग है आपकी भर्ती प्रक्रिया में। साथ ही 51,000 पद वृद्धि की जो लड़ाई चल रही है उसके लिए भी लगातार ट्विटर कैंप हो चाहे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हो, हमारा पूरा प्रयास है आपका सहयोग करना। आपकी लड़ाई है, आपको पहले आना पड़ेगा, ठीक है, और जितना हो सकेगा वो तो हम कर ही रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों को जरूर शेयर करना, स्टेटस बनाना, यही आप जो हमें सपोर्ट करेंगे एक प्रकार का हमारे लिए मोटिवेशन होगा, बाकी आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो भी अपडेट होगा अगली वीडियो में दूंगा, अगली नई समाचार के साथ। धन्यवाद।